हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग वाइड मार्जिन अप्लाई करते हैं किसी भी स्प्रेडशीट में। दोस्तों, इसे करने के लिए सबसे पहले हम लोग पेज लेआउट में क्लिक करेंगे और इस पेज सेटअप में हम लोग मार्जिन्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते के साथ हमारे पास कई तरह के मार्जिन्स आ जाएंगे, जैसे कि नॉर्मल, वाइड, नैरो। तो हमें चाहिए ये वाइड। दोस्तों, आप देख सकते हैं वाइड में जो मार्जिन है, फिगर से ही आप पहचान सकते हैं कौन सा वाइड है, कौन सा नैरो है, और यहाँ पे कितना स्पेस छोड़ा जाता है लेफ्ट मार्जिन में, 1 इंच 1 इंच, और टॉप में कितना छोड़ा जाता है, 1 इंच 1 इंच। अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसमें क्लिक करेंगे और चेक करने के लिए Ctrl+P प्रेस करके आप प्रिंट प्रीव्यू ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाइड मार्जिन है। ठीक है, तो इसी के साथ बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पर विज़िट करें। थैंक यू।